राम राम, प्रणाम आप सबको। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरा ऐसे ही अपने प्यार से अपना सपोर्ट करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें आज आपको अपने तरीके से, जैसे हम बनाते हैं आंवले का अचार बना के खिलाते हैं। तो मैं कैसे बनाती हूँ आंवले का अचार, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। आंवले को हमने धुल के उबाल लिया है, इतना उबाला है कि इसमें देखिए फांके बनने लगे हैं। फिर इसके बाद इसको अलग अलग हमने कर लिया है, पूरा एक एक फांके अलग करके थोड़ा सा धूप दिखा दिया है एक डेढ़ घंटे का। इसके बाद इसमें हमने मिला दिया है हल्दी, सरसों दरदरा पीस के और मिर्चा काट के, इतना सामान मिला दिया है। और ये 1 हफ्ते 10 दिन तक अचार चलता है सर्दियों में। और ये लहसुन छील लिया है, ये हरा मिर्चा, ये सब जा रहे हैं पीसने, इसको पीसेंगे पेस्ट बनाएंगे। फिर ये लहसुन मिर्चा और नमक, ये तीनों पीस लेंगे। अब ये जो सब मिलाए हैं इनको कर लेंगे। इसके बाद ये जो पेस्ट पीसे हैं लहसुन मिर्चा और नमक, बहुत सिंपल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला वसाला डाल के हम नहीं बनाते, क्योंकि आजकल 1 हफ्ते 10 दिन चलने वाला अचार है। इसके बाद फिर ये डालना है हमें सरसों का तेल, ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि वैसे भी हर आदमी थोड़ा तेल खाने से बचता है। 2 या 3 चम्मच तेल डाल देंगे कच्चा, तो कच्चे तेल से सोखियत आती है। अब इसको बढ़िया से खूब ऐसे मिला देंगे। मिला के रख दो, जैसे होता क्या है कि तो आंवला ऑलरेडी विटामिन सी से पूरा भरपूर होता है, आंवले जितना विटामिन सी कहीं और होता नहीं है। खाने में खट्टा खट्टा रहता है, कसैला कसैला, कच्चा खा ले आदमी तो और अच्छी बात, ले कच्चा खवाता नहीं किसी से, तो उसको कैसे करके आंवले को खाना होता है। अगर जिसको भूख न लगती हो उसको ऐसे ही सादा अचार बना के रख दो और उसको बोलो भाई 2 रोटी, थोड़ा से 1 रोटी 2 रोटी जितना वो खा सके। अगर इस अचार के साथ उसको खिलाते हैं तो एक तो उसे विटामिन सी भरपूर मिलता है, भूख लगती है, और जब खाना खाएगा तो ऑटोमेटिक कमजोरी उसकी दूर जाएगी, तो बहुत ही अच्छा होता है। ये बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए, स्कूल बच्चे जा रहे हैं जल्दी जल्दी, सब्जी नहीं बना पाए तो थोड़ा उठा के दे दिए, चावल दाल उकर रहे हैं ऐसे मिलते हुए थोड़ा थोड़ा इसको और ऐसे कूटते चलेंगे तो और अंदर तक मसाले भीन जाते हैं, ऐसे छोटा छोटा कर देंगे, ऐसे कर दीजिए, ऐसे दबा के कर दीजिए थोड़ा सा ऐसे, तो अंदर तक इसके मसाले नमक हफ्ते 10 दिन खूब आराम से खाइए। करीब 1 किलो आंवले का हम बना रहे हैं, वो भी पेड़ का ताजा फ्रेश प्रतापगढ़ से लाए थे। तो देखो ये हो गए ना, काफी ये टूट भी गए हैं काफी हद तक, बाकी सब गल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिब्बे में हल्का सा तेल डालना है, चूंकि रखना है तो डिब्बे में ये इस डिब्बे में थोड़ा सा तेल डाल के डिब्बे को थोड़ा सा वो कर लेना है, फैला देना तेल को, थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर देना चाहिए। फिर इसके बाद इसको भर के रख देंगे। नमक थोड़ा ट्राई करें क्या, थोड़ा कम लग रहा नमक, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी और ज़्यादा गलेगा तो और एब्जॉर्ब करेगा नमक। 5-6 चम्मच नमक लग जाता है, क्योंकि खट्टा भी होता है कसैला भी होता है, पर टेस्टी बहुत बना है, बहुत ही टेस्टी। आज कटरा में सोनी को भी बताए थे तो वो भी बनाई है, बहुत अच्छा उसका भी बना है। ये बस अभी ऐसे भर के रख देंगे।
और थोड़ा थोड़ा मिर्चा इसलिए डाल दिया जाता है, जैसे होता है ना कभी कभी लगता है थोड़ा तीखा और हो तो अलग से उसमें का मिर्चा निकाल। अभी हम इसमें अलग से तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे, जितना है बस परफेक्ट है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना तो कोई फालतू मसाला गया है, केवल सरसों गया है, लहसुन गया है। अभी अचार में समझ लो कोई भी चीज़ फालतू हमने नहीं डाली है, कोई गरम मसाला नहीं, कोई और मसाला नहीं, बस केवल सरसों, लहसुन, मिर्चा और हल्दी, और बस यही चार चीज़ों पाँच चीज़ों से। और उबाल दिए हैं, उबाल के इसकी कलियाँ अलग करके थोड़ा धूप दिखा दिए, धूप दिखा के फिर बना दिया। अब ये हफ्ते 10 दिन आराम से खाओ, बढ़िया भूख लगती है इसको खाने के बाद, टेस्टी भी बहुत होता है, मन साफ हो जाता है और विटामिन सी पूरा एकदम भरपूर इसमें मिलता है। और ये बाल के लिए इतना फ़ायदेमंद आंवला होता है, स्किन के लिए ये फ़ायदेमंद होता है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, नाखून के लिए फ़ायदेमंद होता है, मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा फ़ायदा है आंवला। समझ लीजिए हमें वैद्य ने बताया था कि एक आंवला पर डे खाइए, चाहे जिस रूप में खाइए, चाहे चटनी में खाइए, चाहे वैसे, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो देखिए एक एक कलियां अलग हैं और बहुत ही बेहतर है, टेस्टी है। बच्चों को खिलाएं, टिफ़िन में दें, और बड़ों को खिलाएं, बुजुर्गों को खिलाएं, सबको खिलाएं, बहुत ही अच्छा बनता है और सिंपल सा रहता है ना, कुछ दाल सब्जी तो आराम से इसी से लेके 2 रोटी तो आप खा सकते हो आराम से। तो बने रहें मेरे वीडियो में इसी तरह से, आगे और भी चीज़ें हम लाने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी आंवले की रेसिपी, कई तरीके की रेसिपी हम ले आएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि आंवले के विषय में मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो दिखा देंगे हम आप लोगों। तो चलें बने रहें फिर से और आगे वाले वीडियो में। इसको धूप वगैरह नहीं दिखाना, बस ऐसे किचन में रख दीजिए, बस निकालिए और खिलाइए। बहुत ही स्वादिष्ट बना है।